खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर ब्रह्मपुर में जिला कलेक्टर, एयर इंडिया प्राधिकरण और वाणिज्य परिवहन विभाग ने हवाई अड्डे को तुरंत चालू करने के लिए एक विशेष निगरानी कार्य का आयोजन किया है। जिला कलेक्टर और वाणिज्य विभाग ने मीडिया के सामने आकर ये जानकारी दी है। ग्रुप कमांडर बहरामपुर ग्रुप का सर, और यहाँ पे जहाँ हम रंगीली गुंडा एयर स्ट्रिप पे खड़े हैं, यहाँ हमने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगा है, जो कि स्टेट कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एनसीसी के माइक्रोलाइट फ्लाइंग के लिए इस रंगीली गुंडा एयर फील्ड पे परमिशन दिया है। इससे हमारे जो एयर्स के जो एनसीसी कैडेट हैं उनको एक चांस मिलेगा गंजम एरिया में फ्लाई करने का। अभी तक हमारे जो माइक्रोलाइट है वो भुवनेश्वर में खड़े हैं और भुवनेश्वर में एयर स्पेस अवेलेबल ना होने के कारण वो फ्लाइंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एंड कलेक्टर की तरफ से यहाँ पर एक स्मॉल हैंगर जिसमें माइक्रोलाइट आके रखा जाएगा, उसकी चलने से हमारे जो एनसीसी कैडेट हैं उनको बेनिफिट होगा, उनको एयर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर हैं जिससे एक्सपेंशन प्लान में एनसीसी को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए और एक अच्छा फ्लाइंग सेटअप यहाँ पर रंगेली गुंडा एयरपोर्ट पर बन सके। तो देखिए, ओडिशा की एक खबर है जहां पर आपको बता दें कि ब्रह्मपुर में एक जो एयरपोर्ट है उसको जल्द चालू करने को लेकर इस दौरान कहा गया है। इसी के साथ बता दें कि इसको लेकर एक विशेष निगरानी कार्यक्रम जो है उसका भी आयोजन किया जाएगा और रंगीलुंडा में ये जो हवाई अड्डा बना है वो जल्द से जल्द शुरू हो, इसको लेकर भी तमाम जो कार्य हैं वो वहां पर किए जाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदेश कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदेश, जिस तरीके से रंगीलुंडा हवाई अड्डे को जल्द चालू करने की बात सामने आई है, एक विशेष निगरानी कार्य भी उस दौरान किया जा रहा है, क्या कुछ खास अपडेट अभी तक का? देखिए, अभी यहाँ पे जो मौजूद है या जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एयरपोर्ट के लिए जहाँ जितना यहाँ हमारा कलेक्टर साहब और बीएमसी साहब डिपार्टमेंट साहब सब आए थे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी इतना आप बहुत बहुत बड़ा आगे के लिए आगे उन आगे बढ़ाएंगे काम बढ़ाएंगे बोल के और यहाँ पे गया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो भी आपको विजुअल भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है उसको देखकर लग रहा है कि जल्द से जल्द जो हवाई अड्डा है वो शुरू हो सकता है। हाँ, शुरू हो सकता है यहाँ पे जल्द से जल्द काम जैसे आगे बढ़ाएंगे बोल के वो बीएमसी साहब यहाँ पे खड़ा मौजूद है, गंजाम कलेक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद था, गंजाम कलेक्टर साहब भी बोला था बोले हैं आगे जितना जल्द होगा उतना जल्द करेंगे बोल के बोले थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदेश कुमार साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।